Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see how to add CSS in our React project. जी हाँ गाइस, तो हम देख रहे हैं React version 19 एंड React version 19 में आप CSS को कैसे स्टाइल कर सकते हो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड कमिंग टू दो तीन दिनों में हम कंप्लीट CSS के ऊपर ही देखेंगे क्योंकि CSS को ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं एंड साथ ही साथ वी हैव डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क जो हम ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेन CSS। बट फिलहाल अभी हम प्लेन CSS देखेंगे कि रेगुलर CSS को हम हमारे React प्रोजेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। थ्रू आउट दिस सीरीज गाइस, अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा क्योंकि सभी के सभी वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड मैंने सीरीज को इस तरीके से बनाया कि एवरीडे हमने कल के दिन जहां से छोड़ा वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको लगे हाँ यार कुछ ना कुछ बनते जा रहा है। ठीक है, अभी तक हमने इतना सब कुछ देख चुका, हालांकि ये अभी तक हमने नहीं बनाया, ये लाइक जब हम स्टाइल करेंगे दो तीन दिन की वीडियो का तब कुछ इतना बनेगा, लेकिन इसको हम अभी और बेटर करेंगे, डोंट वरी। बट फिलहाल आप देख सकते हो कि CSS सिर्फ CSS ऐड करने से जो पहले कुछ कैसा दिख रहा था वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये हमारा एक्चुअल कोड है, ये अबाउट पेज की मुझे नीड नहीं है। सो या तो अभी आप देख सकते हो कि हमें कुछ ऐसा दिखाना है, ठीक है, बट वो दिख कुछ ऐसा रहा है। ये इसके पीछे का रीजन है कि कल के दिन हमने एक चैलेंज किया था, तो अभी तक आपने वो चैलेंज को चेकआउट नहीं किया, जरूर चेकआउट कीजिएगा गाइस। पाइथन मास्टर क्लास हमारे कमिंग फ्राइडे से स्टार्ट होने वाला है, अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है। कंप्लीट वन महीना एवरीडे लाइव क्लासेस में रहूंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप डॉट जेएसएक्स पे चलेंगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन डॉट जेएसएक्स पे चल के देखते हैं, यहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि वी हैव दिस एप डॉट जेएसएक्स। इसको पहले मैं ऐड करता हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो अब मैंने वापस से ऐप कंपोनेंट को मैं रेंडर करा रहा हूँ मेरे मेन फाइल पे, तो वो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए। अभी तक आई नो आपके सिस्टम पे भी कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे अब उसको कुछ ऐसा दिखाना है जो कि कितना प्यारा एंड देन ऑसम दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी हम और स्टाइल कर सकते हैं, तो गाइस बिना किसी देर का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो देख लीजिए, कभी भी अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर आप एक चीज बहुत क्लियरली देख सकते हो, दैट इज बाय डिफॉल्ट जब हम वेट के थ्रू इंस्टॉल करते हैं या पहले क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू हम इंस्टॉल करते थे, हमें index.css एक फाइल मिलता है। एंड वही एक और फाइल भी आप देखोगे यहाँ पे बहुत क्लियरली, तो एक सेकेंड वो आ गया कुछ वैसा ना, तो मैं यहाँ पे चल देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लीजिए। एक और हमारे पास रहता है, दैट इज आवर app.css एंड हियर वी हैव वन मोर css फाइल जो कि आपका index.css। तो आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि ये index.css भी है, app.css भी है, भाई क्यों है? क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके में तो वी हैव ओनली style.css, एक ही css के अंदर ठूस दो, राइट? बट यहाँ पे दो दो क्यों है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो एक काम करते हैं ना, ये जो index.css है वहां पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से प्री डिफाइंड css के कोड मुझे मिलते हैं, क्यों ना इसको एक बार मैं इस तरीके से गाइस अनकमेंट कर दूं। मैं जो देखना है इस index.css की स्टाइल को अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मेरा ये जो प्रोजेक्ट है कैसा दिखता है, ओ माय गॉड। सी, आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट जो मुझे मिल रहा था उसके बेस पे कुछ वो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जहां पे बैकग्राउंड कलर ब्लर हुआ है, ब्लैक हो गया है। एंड यहाँ पे ओके, यहाँ पे अगर मैं हवर कर रहा हूं आप देख सकते हो कि मुझे पर्पल कलर का एक बॉर्डर मिलता है, एल्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक CSS ही तो है, CSS ही तो है जिसको आपने अप्लाई किया, राइट? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो index.css है इसको मैं कंट्रोल ए एंड देन हाथ तम डिलीट कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, बैक टू नॉर्मल, राइट? तो आपको पता चल गया कि प्लेन रेगुलर CSS अगर आपको ऐड करना हो देन हम कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल index.css। ऑलरेडी दिए यहाँ अपने को कोड लिखना, एंड इफ यू रियली डोंट नो गाइस CSS, अगर आप भूल गए हो देन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस यहाँ पे वी हैव दिस वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स, ये आपका पार्ट टू दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। एंड आई हैव पार्ट वन ऑल्सो, या हेयर आई हैव पार्ट वन ऑल्सो, ये देख लीजिए पार्ट वन एंड पार्ट टू मैं आपको लिख के दे सकता हूँ गाइस, इससे बेटर आपको CSS कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ये HTML मेरा CSS और JavaScript इससे बेटर कहीं आपको मिल जाए मुझे बता दो, कमेंट कर दो आप नाम, बस एक बार बस आप देख लीजिए क्या नहीं है इसमें यार। सोर्स कोड फ्री है, नोट्स फ्री है, 100 से ज्यादा एनिमेटेड जो PPT है वो फ्री है, प्रोजेक्ट्स ऐसे ऐसे बताए जो आपने कभी देखे ना हो, तो और क्या चाहिए आपको यार, ये इंस्टीट्यूट में ना मिले आपको इतना, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा मेरे पास कुछ सेट ऑफ CSS के कोड है, मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा, ठीक है। अब प्लीज आप ये मत पूछिए कि ये मैंने क्यों लिखा, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्योंकि हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, हम CSS नहीं पढ़ रहे कि मैं आपको CSS भी एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे।
एंड मैं ऑलरेडी इतनी मेहनत करके ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, है ना। मैं अगर हर जगह आपको सीसीस बताऊंगा तो मैंने ये जो वीडियो बनाई ये देखेगा कौन फिर? ये मतलब समझ रहे हो, ये 22, 18, 17, 18 घंटे की वीडियो भाई ये, आप इसको देखिए तो सही एक बार, ठीक है। तो सिंपल है, जस्ट आपको यहाँ पे आके आपका जो भी डिफॉल्ट, ठीक है, इतना मेक श्योर करना है कि इंडेक्स डॉट सीएसएस में देखो क्या लिखा है। ये आपका एक ऐसा सीएसएस का फाइल है जिसको आप एक ग्लोबल सीएसएस स्टाइल्स कह सकते हो, ग्लोबल सीएसएस फाइल कह सकते हो। इट मीन्स कि यहाँ पे आप जो भी कोड लिखोगे ग्लोबली आपके प्रोजेक्ट में जहां जहां यूज होना है हर जगह ये आपका यूज हो जाएगा। ग्लोबल अगर आपको चाहिए देन इंडेक्स डॉट सीएसएस के अंदर लिखना है। एंड रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट एंड इंडिविजुअल फाइल के लिए अगर इंडिविजुअल सीएसएस चाहिए देन आप इस तरीके से ऐप डॉट सीएसएस, नेटफ्लिक्स डॉट सीएसएस, थरी थरी का आप बना सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गाइस कुछ इस तरीके का बाय डिफॉल्ट दे दी है। एंड बाय द वे फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो में आई मीन पार्ट टू में मैंने आपको एट द एंड में कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाया था, तब मैंने उसी का ही मैंने कॉपी पेस्ट किया, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेम सब कुछ वही है, उसी को ही मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। वी हैव दिस कंटेनर, वी हैव दिस ग्रिड। मैंने बोला कि मुझे अगर दो कॉलम चाहिए, एक एंड देन दो, तो उसके लिए ग्रिड टू ये वाला एक अपने पास कोड है, प्रॉपर्टी है बेसिकली ग्रिड के अंदर। एंड देन अगर मुझे तीन रो चाहिए तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, बेसिकली कॉलम, सॉरी, है ना। तो मैं देखो आप क्या करता हूँ, अभी भले ही मैंने सीएसएस ऐड कर दी हो, भले ही मैंने सीएसएस ऐड कर दी, लेकिन यहाँ पे इतना आपको पता नहीं चल रहा, जस्ट डिफरेंस आपको एक जगह मिल रहा होगा, डिफरेंस आपको एक जगह, एक सेकेंड, डिफरेंस आपको एक जगह मिल रहा है, दैट इज कि ये जो पार्ट है फॉन्ट्स थोड़े से बड़े हो गए हैं, थोड़े ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हैं, एंड फॉन्ट की जो फैमिली है वो चेंज हो गई है, बाकी सब कुछ एज इट इज ही है। अब मुझे साइड बाय साइड चाहिए, राइट, तो उसके लिए वी हैव दिस ग्रिड एंड देन ग्रिड थ्री कॉलम्स। तो मैं क्या करूंगा, ऐप डॉट जेएसएक्स पे जाके कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो ये कंपोनेंट है। हाँ, यहाँ पे ये जो मेरा यूएल है, यूएल के अंदर मेरे पास एलआई है, तो ये जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है, कभी भी ग्रिड एंड देन फ्लेक्स बॉक्स आपको पेरेंट कंटेनर को ही देना है। एंड अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, एंड मैं यहाँ पे इस तरीके से चल के क्या लिख दूंगा गाइस, ग्रिड, देन वी हैव अ ग्रिड, ठीक है, थ्री एंड देन कॉलम्स, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ये देखो गाइस मेरा ये काम हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कंसोल पे चलता हूँ, एक चीज देखिए ना मुझे क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखिए, वार्निंग, वार्निंग, इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, समझे क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले अगर हमें गाइस नॉर्मल जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में हम जो वेबसाइट बनाते थे वहां पे अगर मुझे स्टाइल ऐड करना रहा या कोई भी क्लास नेम मुझे अगर ऐड करना रहता तो मैं क्या यूज करता, क्लास यूज करता। बट इन रिएक्ट क्लास इज ऑलरेडी अ रिजर्व्ड कीवर्ड, हम क्लास यूज नहीं कर सकते, इंस्टेड क्लास के बदले हमें यूज करना पड़ेगा क्लास एंड द नेम, एंड ये होगा आपका कैमल केस में, क्लास का सी छोटा है एंड कैपिटल है, सो यू नीड, आई मीन वी नीड टू राइट केस, आई मीन सॉरी, क्लास एंड द नेम, ठीक है, क्लास नहीं लिखना है, भले ही स्टाइल आ गया आपको, दैट्स व्हाई मुझे इस तरीके से वार्निंग भी आ रहा है। इवन ये तक मुझे बता रहा है अननोन प्रॉपर्टी क्लास फाउंड यूज क्लास नेम, क्लास नॉट फाउंड, सॉरी। तो यहाँ पे आपको क्लास एंड द नेम करना है, एंड या मेरा एरर चला गया, देखो जस्ट कितनी इजीली मैंने मेरे सीएसएस ऐड कर दी जिसमें ग्रिड ऐड किया, मैंने बोला मुझे तीन कॉलम चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, सो देयर विल बी नो मोर वार्निंग्स एंड आपका ये काम हो गया। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब ऐप डॉट जेएसएक्स पे चलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। मैं एक काम करूंगा इसको ना, अब मैं फ्रेगमेंट मुझे नहीं चाहिए, आई नीड वन सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन को एक क्लास नेम दूंगा एंड दैट इज अ कंटेनर, ठीक है। द मोमेंट अगर मैं ये करता हूँ, या द मोमेंट अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखो कितना, एक सेकेंड, या कितना ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहा है। और एंड द रीजन मुझे ऐसा दिख रहा है क्यों, क्योंकि मैंने इंडेक्स डॉट सीएसएस फाइल पे ये जो मेरी कंटेनर वाली जो क्लास नेम है, मैक्सिमम वेट मैंने इतना दे रखा है, मार्जिन मैंने ये कर रखी है एंड पैडिंग मैंने ऊपर एंड देन नीचे से इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको सीएसएस पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझेगा ये, बट मैंने इस तरीके से की हुई है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा क्लास नेम एंड देन कंटेनर। एंड मेरे पास यहाँ पे एक और है, सो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक और एच वन ऐड कर दी, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब एक क्लास नेम ऐड कर रहा हूँ, लेट्स इमेजिन मुझे अब एक इंडिविजुअल बेसिकली नेटफ्लिक्स कार्ड के रिलेटेड ही मुझे एक हेडिंग चाहिए, मुझे बाकी जगह उसका कोई काम नहीं है। इट मीन्स कि अब मैं जो
स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ सीएसएस वाला, वो ग्लोबली मुझे नीचे एक स्पेसिफिक कार्ड पे चाहिए जो कि हमारा नेटफ्लिक्स का है, तब उसको तो मैं अब इंडेक्स डॉट सीएसएस पे नहीं डाल सकता। हाँ वैसे कर सकता हूँ बट वो फिर सही नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कहलाएगा। सो मैं क्या लिख देता हूँ कार्ड, एंड देन मैं यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, कार्ड हेडिंग मैंने लिख दी, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो हियर वी हैव अ कंपोनेंट्स, वी हैव दिस सीरीज कार्ड्स एंड देन वी हैव दिस नेटफ्लिक्स सीरीज। तो कंपोनेंट के अंदर ही मैं राइट क्लिक करूंगा एक इस तरीके से आप कह सकते हो, और नेटफ्लिक्स डॉट सी एस एक्स, ठीक है। तो मैंने नेटफ्लिक्स डॉट सी एस एक्स करके एक फाइल क्रिएट की है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, जो अभी जस्ट मैंने क्रिएट की थी वो क्रिएट की, एंड कॉमन हेडिंग में मुझे कुछ नहीं करना, खाली मार्जिन एंड देन बॉटम 3.2 रैम में कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। मैंने बस इतना ऐड कर दिया। अब ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे चलूंगा तो ये मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, एंड अब आपको पता चला कि मैंने इसको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दी है, एंड दैट इज मार्जिन बॉटम 3.2 रैम, ताकि इनके बीच में मुझे स्पेस मिले, बट फिलहाल अभी मुझे मिल नहीं रहा है। द रीजन इज कि भले ही आपने क्लास नेम यहाँ पे ऐड की हो, आपने भले ही एक फाइल क्रिएट करके उस पर वो प्रॉपर्टी भी ऐड कर दी हो, लेकिन लिंक तो करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, देखो मैं ऐप डॉट जेएसएक्स में ही हूँ। अब मैं सीएसएस के फाइल को मैं इंपोर्ट करूंगा। देखो कोई भी नॉर्मल फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट नेटफ्लिक्स फ्रॉम नेट, इस तरीके से नेटफ्लिक्स फॉरवर्ड स्लैश सीएसएस या डॉट सीएसएस, यहाँ पे ऐसा नहीं है। नाउ आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आप चाहो तो एकदम एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हो, एल्स आप एक रिलेटिव पाथ दे सकते हो, बट आप रिलेटिव के साथ ये डॉट फॉरवर्ड स्लैश करके देखिए कि सीएसएस का जो फाइल है कहाँ है। ऑब्वियसली मेरे कंपोनेंट्स के अंदर है, तो कंपोनेंट्स में गया, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश, कंपोनेंट्स के अंदर भी कहाँ है नेटफ्लिक्स, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको ना देखो, जब भी मैंने कभी भी कोई भी जेएसएक्स के फाइल को मैंने इंक्लूड की है, कभी मैंने उसका डॉट जेएसएक्स वाला एक्सटेंशन यूज नहीं किया। बट गाइस अगर आप यहाँ पे देखते हो, जब भी बात होती है सीएसएस की, देन मेक श्योर आपको उसको डॉट सीएसएस लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैं हटा रहा हूँ। सो गाइस इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, एंड ओके हुआ नहीं है, एक बार हम इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते, आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो एक बार इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं। सो वी हैव अ कार्ड हेडिंग, दिख तो नहीं रहा है, ग्रिड पे चलू तो ग्रिड पे तो बराबर आ रहा है, एंड यहाँ पे ये क्या चीज है फालतू का, इसको हम हटाएंगे एंड में, बट कार्ड हेडिंग मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब वो अप्लाई नहीं हुआ। कार्ड हेडिंग इधर है नेटफ्लिक्स डॉट, एक सेकेंड यार, कार्ड हेडिंग था ना ये, तो कॉमन हेडिंग क्या कर रहे हैं, एंड यार दिस इज इट, सी देख लो किस तरीके से ही हो गया। तो गाइस ये था आपका तरीका कि आप कैसे सीएसएस जो प्लेन रेगुलर सीएसएस है उसको इंक्लूड कर सकते हो। यू नीड टू मेक श्योर कि आपको उसको इंपोर्ट करना है, एंड डॉट सीएसएस एक्सटेंशन लगाना ही पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ क्लास वी नीड टू यूज क्लास नेम, ये अब आपको मेक श्योर करना है, ठीक है। एंड रिमेनिंग जो आपका इंडेक्स डॉट सीएसएस फाइल जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, ये आपका ग्लोबल स्टाइल आप कह सकते हो, जहां पे ऐसा सीएसएस का कोड लिखो जो आपको हर जगह लगने वाला है, ठीक है, वहां पे आप लिख दीजिए। एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए आप इंडिविजुअल सीएसएस के फाइल्स इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, एंड उसको आप बहुत इजीली ऐसे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन हियर इज अ टास्क, आपके लिए एक होमवर्क है, एंड दैट इज कि चलो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि सभी के सभी एकदम इक्वल है, सभी के सभी एकदम इक्वल है, एंड देन इमेजेस सब बराबर, जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल रहा है कार्ड में, कंप्लीट हमारा एक जो कार्ड है उसका पूरा उसने ऊपर का पार्ट एक्वायर किया हुआ है। तो वैसे ही अभी ये जो पार्ट है इसको आप ऐसा कैसे बना सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ये आपके लिए टास्क है। आपको मुझे देखना है कि आपको सीएसएस कितना आता है, अगर नहीं आता होगा तो शांति से आप इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आप ही की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है, प्लीज। ऑलराइट, सो या दिस इज इट, आज आपका टास्क है, मैं कल की वीडियो में बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, एंड कल की वीडियो होगा ऑन इनलाइन स्टाइलिंग। सो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भर भर के शेयर, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा तो कमेंट भी कीजिए क्या पसंद नहीं आ रहा, ऐसे चुपचाप खाली वीडियो देख के निकलना नहीं है गाइस, प्लीज। तो या एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।